तो नमस्ते दोस्तों और फ्रेंड्स, मास्टर्स, स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में ये एक और चैप्टर है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय का, अनंत करनेर जी की चैनल जो बुक है। तो ये अब हम वो जो अलौकिक आनंद के बारे में 10-15 सेशन से सुन रहे हैं, 10 सेशन से उसी के बारे में कुछ और है बताया गया देवी माँ ने। तो देवी माँ कहती हैं कि जो हमारे चॉइसेस हैं, जो हम चॉइस करते हैं, या कुछ घटनाक्रम इस तरह से होते हैं तो दुखद होते हैं, उनसे हम किस तरह से अपने दुखों को उसको व्यक्त करते हैं या दुखों को अनुभव करते हैं, उन सभी के बाद या उन सभी के कंट्रास्ट में हमें जो है वो अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो तीसवा चैप्टर है, अगर आपके पास किताब है तो आप 30th चैप्टर प्राइमोर्डियल जॉय या अलौकिक आनंद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आनंद करुणी जी जैसे जिज्ञासु तो हैं ही, तो वो पूछते हैं देवी माँ से कि आप हमें बताएं कि ये जो अलौकिक ज्ञान है, ये किस तरह से हम और देख मतलब पता कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, किस तरह से हम इसे अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, तो और निरंतर प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो और ये भी कि मतलब कुछ जैसे कि बहुत दुख का कोई विपदा सी आ जाती है, चाहे एक पर्सन के जिंदगी में या ग्रुप के जिंदगी में, तो वो देवी बताती है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चक्रा के खुलने के लिए जरूरी होते हैं ऐसे अनुभव। और जब हम किसी ऐसी विपदा यानी कि प्राकृतिक विपदा से जूझ रहे लोगों के साथ, उनके साथ बात करते हैं या उनके साथ मतलब उनके दुख को उन बांटते हैं, तो भी हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चक्र जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या 9/11 जिस तरह का, या वोल्केनो इस तरह से, उन हमारी भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चक्र जो है वो खोलते हैं। और हम जब उनसे मतलब एक किस्म से कंपैशनेट नेचर से बात करते हैं, समझते हैं, तो तब हम एक सामूहिक रूप में उस अलौकिक आनंद का अनुभव करने की एक मोटिवेशन हमारे में आती है, और वह हमें अपने इस अलौकिक आनंद जो कि निरंतर अलौकिक आनंद है उसके करीब लेकर जाती है। तो आनंद करने जी बोलते हैं वही निरंतरता की बात की हम क्यों फिर मतलब जब हमें पता है कि हम अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तो तब हम क्यों उसको पकड़ के रखते हैं। तो वो माता कहती हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो ओपनिंग है या जो चक्रों की ओपनिंग है या इस दुख को से निजात पाना या दुख से हटने की जो चीजें होती हैं वो समय के साथ बनी हुई होती है, मतलब यहाँ पर हमारे पृथ्वी लोक में। और कभी कभी स्त्रियां जो हैं वो अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी अपने दुख को एक किस्म से निकालती हैं या उससे दुख उनसे चला जाता है। उसी तरह सोल्स्टिस अर्थात कि जब ऋतु बदलती है या जो सूर्य जिस तरह से चल रहा है मतलब पृथ्वी जिस तरह सूर्य से के आसपास चल रही है गोलाकार में, उसके जो चलने से उसके जो से जो एनर्जी होती है सोल्स्टिस यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, या मैं कुछ 23 मार्च और 21 सितंबर, ये जब सीजन चेंज होने की बात आती है तो तब हमारे उसमें संभावना अधिक होती है कि हम अपने दुखों को या जो ये हमने ईगो ने हमारे अंदर बांध के रखे हुए हैं ये सारे जो दुख हैं वे भी निकलते हैं। इस तरह जो हम मतलब वो कई सारे उदाहरण देती है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे सीजन चेंज, जैसे कि प्यूबर्टी यानी दोनों ही लड़की और लड़के में जो चेंजेस होते हैं टीनेज में, उसमें वे थर्ड चक्र को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तब आप देखेंगे कि टीनेजरों का बिहेवियर जो हम भी थे टीनेज में किस तरह से हम उदंड या किस तरह मतलब वो उस समय जो है वो थर्ड चक्र की ओपनिंग का बात होता है। तो फिर देवी वही बातें कहने लगी कि हम मैं और राम जिस या यशोधरा की जो
अवतार है उसके बारे में करने लगी। फिर जब राम से बिछड़ी तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चक्र को एक्टिवेट कर रहे थे या उसके बारे में चक रहे थे, मतलब उस चक्र को एक्टिवेट कर रहे थे। तो ये इसको मैं थोड़ा सा जल्दी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका उल्लेख पहले भी आ गया है। तो इस प्रश्न उत्तर में देवी माँ ये भी कहती हैं कि मेरी जो मतलब दुख था वो इस धरती में भी कई शताब्दी तक, सेंचुरीज तक था। और देवी माँ कहती हैं कि जो मेरी जो ऊर्जा थी वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कई 100 1 2 शताब्दी तक थी, और वो फिर रिसाइकल होके जो है मतलब रिसाइकल होके फिर जॉय की तरफ बढ़ी। उसी तरह धरती माँ में भी कई सारा दुख एक किस्म से समाया हुआ है, और वो धरती माँ उस दुख को ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है। मतलब मदर गाया या पृथ्वी जो देवी भूमि है वो भी ये सारा ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है। तो इसके उदाहरण तो आप, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे या ये सुन रहे होंगे तो आपको भी आएगा कि आपके जीवन में जो जो कष्ट आया, चैलेंज आया, वो उस समय दुख लगा होगा या भारी लगा होगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा मतलब जॉय महसूस हुआ होगा। और हमने पहले भी देखा है कि हम ध्यान में क्या करते हैं कि ध्यान से या योग से या योग प्लस ध्यान से उन दुखों को एक किस्म से ट्रांसफॉर्म करने में हमारी मदद मिलती है, या ग्रेटफुल होने में, यानी कंपैशन, ग्रेटफुल, जैसे कि पहले बताया कि विपदा में जो फंसे हुए लोग हैं उस उनके साथ जब हम दुख बांटते हैं तब भी हमारा जो है दुख कटता है, या हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मतलब मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र जो है वो खुलने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये किताब जो है वो साइकल्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, ऊर्जा किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब हमारे पर्सनल गति पर्सनल चैलेंजेस से भी ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से भी ट्रांसफॉर्म होती है, और हम जिस एज में हैं उसके हिसाब से भी ट्रांसफॉर्म होती है। तो आनंद करुणी जी फिर उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हम मतलब आनंद करुणी जी बोलते हैं तो हम किस तरह से आभार प्रकट करें जबकि हमें कभी दुख हो रहा है, या हम आभार वाले या मतलब एक किस्म से प्रार्थना वाली स्थिति में कैसे रहें। तो देवी माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम डर में या अपने में ग्लानि भाव में रहें तो उससे कोई दुख का दुख जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त में अगर हम अपने जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक जो चीजें हुई हैं उसको महसूस करें या उसको एक ऊर्जा की तरह हम अपने में लाएं, तब हमारा वो मतलब है कि यहाँ पर आभार प्रकट करना। फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर इवन लिटिल थिंग्स वुड गिव सम जॉय, अर्थात कि आपने भी सुना होगा कि मतलब मैं शायद किसी और में भी उदाहरण ये आया है कि अगर हम 1,000 रुपए मतलब कमाना चाहते हैं और हमारे पास अभी केवल 500 रुपए कमाते हैं तो उसमें से भी 5 10 50 रुपए किसी को दें, यानी कि किसी और को भी वो खुशी दें कि पैसे कमाने से किस तरह से खुशी प्राप्त होती है। तो छोटी छोटी, या हमारे छोटे सा किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, कोई हमारे साथ मुस्कुरा के बात कर लिया, या हमारे साथ दुख में बांट लिया, या हमने उसके दुख को बांट लिया। अभी कुछ ही दिन पहले दिवाली में मैंने कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं किया, लेकिन मैं कुछ बना के किसी के लिए लेके गई थी, तो उस वो जो मेरी फ्रेंड है उसको इतना अच्छा लगा, तो मुझे भी मतलब एक किस्म से दिवाली में वो एक किस्म से दिवाली हो गई, जब उसे अच्छा लगा, उसकी बेटी ने भी बड़े मजे से खाया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, जबकि हम तो वो दुख का जो मतलब एक किस्म से दुख जो है कम हो जाता है, बांटने से दुख कम हो जाता है, अर्थात कि और कई हीलर्स या कई लोग भी कैन असिस्ट इन दिस, अर्थात कि हम किसी गुरुजन या कोई इस तरह के कोई असेंडेड टीचर्स हैं हमारे, हमें मिल जाते हैं, या ये किताब जिस तरह एक किस्म से हीलिंग ही कर रही है, चाहे हम किताब पढ़ पढ़ के अपनी हीलिंग करा रहे हैं। और खासकर कि एनिमल्स इन नेचर, स्पेशली मैमल्स, गो थ्रू मच पेन एंड येट दे रिसीव ऑल थिंग्स इन जॉय,
यहाँ पर धरती लोक में ये द्वंद्वत्व के कारण काफी दुख रहता है, लेकिन यहीं पर हमें खुशी भी महसूस होती है। तो तब ये आनंद करुणेश जी बोलते हैं कि ध्यान से उन्होंने अपने कोई दांत का ऑपरेशन था, वो उसमें बड़ा उनको अच्छा एक अनुभव हुआ कि जब जो डेंटिस्ट है उसने वहां पर म्यूजिक था, वहां पर पेड़ पौधे थे, तो उनको जो दांत का कितना मुश्किल होता है ऑपरेशन करना, तो लेकिन वो फिर अच्छी तरह से हो गया। तो टैपिंग इनटू इनर जॉयज मेक्स एवरीथिंग इजियर, ये कहना है। दुख के लिए आभार नहीं रखना है, तो जो जो खुशियां हमें प्राप्त हुई हैं, माना कि पीछे प्राप्त हुई हैं या अभी अभी जो इस दिन में, आज के दिन में प्राप्त हो रही हैं, उसको अनुभव करते हुए हम आभारी रहे, ये प्राइमोर्डियल जॉय या अलौकिक जॉय को, आनंद को हमें प्राप्त करने में बहुत बहुत मदद करता है। इसी के बाद 31st चैप्टर आता है, यानी 31वां चैप्टर, द हार्ट इज ऑलवेज ओपन, या हमारा हृदय हमेशा ही खुला रहता है। तो ले हमने आनंद करोने जी बोलते हैं, हमने बहुत खुशियों के बारे में बात कर ली है, अब हम क्या लव यानी प्रेम के बारे में बात करते हैं? तो देवी माँ ने कहता, हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। देवी माँ ये कहती हैं कि रिलीजन जो कि धार्मिक संस्था है, धार्मिक जो ग्रंथ है या धर्म ने लव को अनकंडीशनल, हैव प्रीच लव, वन डज नॉट ट्रूली नो अनकंडीशनल लव, लव बिफोर ग्लिम्सिंग द एम्प्टीनेस ऑफ द हायर सेल्फ एंड द जॉय ऑफ सिंपली बीइंग इन द बॉडी एंड द सोल। अर्थात कि वो शून्यता से निकल कर वो जॉय नहीं आया है इस तरह, तो फिर हमें वो जो प्रेम है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये कहना कहा जा रहा है। द म्यूजिक ऑफ लव बिकम्स मेलोडियस आफ्टर वन हार्मोनाइजेस द नोट्स ऑफ एम्प्टीनेस एंड जॉय विद इन वन सेल्फ। तो शून्यता यानी कि किसी चीज में बिल्कुल मायने ही नहीं है, सब कुछ शून्य है या सब कुछ माया है, इसको समझते हुए और फिर इसी माया में, द्वंद्वत्व में भी खुशी है और हमारे हमें उनके अनुभव हो रहे हैं, इस पूरे पूरी तरह से इसको समझ के, और आभार जिस तरह पहले अध्याय में बताया उस तरह हम जब उसको एक किस्म से पूरी तरह विस्तृत तरह से समझ लेते हैं या डीपली समझ लेते हैं, तब हम हमारा एक तरह से अनाहत खुल जाता है या हृदय स्थान खुल जाता है। तो तब आनंद करुणेश जी को थोड़ी थोड़ी समझ आती है कि माँ, देवी माँ क्या कहने लगती है, हमें भी धीरे धीरे करके ही समझ में आ रहा है। तो फिर वो हृदय के लिए, कंपैशन के लिए आनंद करुणेश जी बोलते हैं कि क्या हम अनकंडीशनल, अर्थात कि बिना नियम, बिना किसी कि मैं लेन देन के बगैर भी प्रेम हो सकता है कि हम लेन देन का प्रेम तो खूब अच्छे से तरह जानते हैं कि मैं राखी बांधू कोई मुझे दक्षिणा दे, या मैं दक्षिणा दूं तो कोई मुझे कुछ करके दे, या कुछ इस तरह से लेन देन ट्रांजैक्शन में तो प्रेम का हमें समझ में आता है, लेकिन अनकंडीशनल वो कैसा है? लव प्रेम जो है वो अनकंडीशनल भी हो सकता है। There has been a great forgetting of what love really is. Love is not desiring and wanting to satisfy one's physical and emotional needs. यानी कि मैं कुछ पाना चाहती हूँ, वह पाने के लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वह प्रेम नहीं है। तो हम जिस तरह के प्रेम को समझते हैं या जानते हैं, या अक्सर जिस तरह का प्रेम हम शब्द से जिसका कनेक्शन बिठाते हैं, वह प्रेम नहीं है। All goodness work with the heart chakra, even though they may work with one or more other chakras. तो goddesses जो हैं वो हृदय स्थान के लिए या इस तरह के प्रेम के लिए जो कि लेन देन से परे है, उस तरह के ही एनर्जी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। पीएसएस सब में खास कर हमें ये बताया कि ज्ञान और ध्यान को हमें अनकंडीशनली सबके साथ बांटते रहना है। तो देवी माँ कहती हैं कि सरस्वती जो है वो जो एक माँ के रूप में, वो ज्ञान की तो देवी है ही, लेकिन हृदय में वो एक डिवाइन मदर की तरह भी काम करती हैं। तो अगर हमें अपना हृदय स्थान खोलना हो या अनकंडीशनल लव खोलना हो, अर्थात हम माता सरस्वती का भी आवाहन कर सकते हैं।
तो फिर इस तरह आगे बात होती है कि तो फिर देवी माँ या आनंद करुणे जी बोलते हैं कि हम अपने हृदय के लिए इतना क्यों नहीं मतलब ध्यान देते, हम क्यों भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्रा के या नाम कमाने में या पैसे कमाने में या किसी को खुश करने में जब हम ऐसी ऐसी स्थितियों में अपने जिंदगी से गुजरते हैं, तब हमारा हृदय एक किस्म से बंद सा हो जाता है या वो चक्र में जो ऊर्जा है वो कम से होना हो जाती है। तो तब हमारे मतलब उन जब हम अनकंडीशनल या जब हम हृदय के साथ काम करते हैं या देवी के साथ काम करते हैं, खासकर सरस्वती माता के साथ, तो हमारे जो हार्ट चक्र है वो खुलने लगती है। एज यू क्लियर द माइंड अराउंड द लोअर चक्रास, दे ओपन एंड कनेक्ट विद द हायर चक्रास। अर्थात कि वही बात आ जाती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्रा खोलते ही हमारे हृदय भी खुलने लगता है और हृदय स्थान भी खुलने लगता है या अनाहत खुलने लगता है। द ग्रेट लेसन दैट वी ऑल हैव केप्ट फ्रॉम आवर सेल्फ इज दैट देयर इज नो क्लोजिंग ऑफ द हार्ट हार्ट मतलब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, ऐसा नहीं कि वह बंद ही हो जाता है। तो देवी माँ कहती हैं कि लक्ष्मी जी बता रही हैं कि विष्णु जी के साथ मैंने जो जो मतलब अवतार लिए धरती पर, मेरा जो ये सारे जो भी द्वंद्वत्व है या दुख सुख में मैंने खुशी का अनुभव किया और वो मेरे न केवल मेरे अनाहत को खोलने में या उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करने में मेरी मदद हुआ, बल्कि मैंने उसके द्वारा या उससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड चक्रा के खोलने लोअर चक्रा के खोलने से भी मैं वह अनुभव किया है। तो आज हमने 30 और 31वां चैप्टर कंप्लीट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।